तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो बच्चों, अब थोड़ा सा समय रह गया हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज अब पेपर ज्यादा दूर नहीं है। तो अब टाइम है उन पोर्शंस को कवर करने का जो हमारे वीक है, अब टाइम है उन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने का जिन पे हमने काम तो किया है बट अभी भी क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, होपफुली आपको पता ही है। ठीक है जी, एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। दूसरी बात, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे पहले हाउ विल यू प्रिडिक्ट, आप कैसे पता करेंगे कि वो एरिया ही आपका वीक पॉइंट है। उसका सबसे अच्छा तरीका आपकी टेस्ट सीरीज, यानी अभिपीडिया की क्वालिटी की टेस्ट सीरीज, जिसने पिछले साल भी ऑलमोस्ट 50% सीट्स अभिपीडिया के स्टूडेंट्स को ग्रैब करने में बहुत मदद की थी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपके साथ भाई, लास्ट ईयर क्या था, यूपीएससी एपीएफओ एओ ईओ 2022 में 210 इलेक्शंस थी। ठीक है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 420, ऑलमोस्ट 50% सीट्स हमारे पास थी। ये रीजन क्या था, रीजन क्या था, इन बच्चों की 100% डेडिकेशन। अब 100% डेडिकेशन से मुझे, 100% वर्ड से मुझे एक और चीज याद आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। और इन्होंने अच्छे से उस टेस्ट सीरीज को लगाया था। अब 100% क्या है, देखो 100% क्यों मुझे याद आया, रीजन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 100% का कैशबैक किस रूप में मिल रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी ईपीएफओ 2023, अगर आपको, आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज बाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये में, उसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले देखते हैं आपको एओ ईओ एपीएफसी और करंट अफेयर्स के पूरे डेडिकेटेड टेस्ट मिलेंगे। 100+ टेस्ट है आपके पास, उसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस के साथ है आपके पास, मतलब कोई पोर्शन छूटा नहीं है। गेट सेक्शनल कंप्लीट एंड करंट अफेयर टेस्ट, और इसके अंदर क्या मिल रहा है, 100% कैशबैक का मतलब क्या है, 750 वापस मिलेंगे आपको कैश में, नहीं, ये आपके अभिपीडिया वॉलेट में, जब आप आओगे ना अभिपीडिया पे, लॉग इन करोगे, इसको खरीदोगे और टेस्ट देने शुरू करोगे, तो अभिपीडिया वॉलेट में 750 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे। उससे आप कोई अदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे आपका कोई पॉइंट वीक है तो आप माइक्रो कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, होपफुली समझ आ गया होगा, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहे हैं, टू मैन एंड सेवन बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, थ्री मैन एंड एट बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 11 डेज। तो सबसे पहले देखो जरा क्या दिए, टू मैन एंड सेवन बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में कर रहे हैं, डन। और थ्री मैन एंड एट बॉयज उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, 11 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, चलिए तू मल्टीप्लाई कर दो जरा, प्लस नाइनटी एट बॉयज इज इक्वल टू 33 मैन प्लस 88 बॉयज, डन। माइनस कीजिए, 28 मैन माइनस ऑफ 33 मैन इज इक्वल टू 88 बॉयज माइनस ऑफ 98 बॉयज, ये मेरा टोटल वर्क है, दिस इज माई टोटल वर्क, डन। अब यहां से पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये कितना है, माइनस 5 मैन इज इक्वल टू माइनस 10 बॉयज, मैन बाय बॉयज कितने मेरे पास, 2/1, डन। नेक्स्ट देखिए जरा, अब मुझे क्या कह रहा है, देन एट मैन एंड सिक्स बॉयज, ठीक है, कैन डू थ्री टाइम्स, याद रखिएगा इस काम का 3 गुना द अमाउंट ऑफ दिस वर्क इन हाउ मच टाइम, या हाउ मच टाइम, देखिए। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है कि भाई 3 गुना यानी 3 टाइम्स ऑफ 2 मैन प्लस 7 बॉयज इंटू 14, और करना किसको है बेटा ये काम, 8 मैन एंड 6 बॉयज, यानी 8 मैन प्लस 6 बॉयज कितने नंबर ऑफ डेज में इस काम को करेंगे, मुझे ये निकालना है, कुछ मुझे ये निकालना है। तो अब देखो, एम यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 1 है, तो 3 × 2 × 2 + 7 × 1 × 14 इज इक्वल टू 8 × 2 + 6 × b, मेरा 1 है, इंटू नंबर ऑफ डेज, डन।
बेटा ये कितना आएगा, 3 × कितना होगा 7 × 4 = 11 × 14 इज इक्वल टू 16 + 6 = 22 × 10 तो 11 × 22 और ये कितना होगा 7 × 3 कितना हो गया, तो 21 days इज माई राइट आंसर विच इज माई ऑप्शन नंबर बी डन। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 10 m × 7 m × 5 m, मतलब ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, यानी लेंथ की बात करूंगा कितना है 10 m, ब्रेथ की बात करूंगा 7 m, हाइट की बात करूंगा कितना 5 m है, डन। ठीक है जी, वो कह रहा है देयर आर 2 doors and 3 windows, यानी 2 door है मेरे पास और 3 windows, ठीक है। इन द रूम द डायमेंशन ऑफ द रूम आर द डायमेंशन ऑफ वन ऑफ द डोर, यानी अगर 2 door हैं, 1 door की डायमेंशन क्या है मेरे पास 1 m by 3 m, ठीक है। 1 window इज ऑफ साइज, यानी 1 window की साइज कितनी है मेरे पास 2 m × 1/5 m, ठीक है जी। डोर मेरे पास 2 है, ध्यान रखिएगा द डायमेंशन ऑफ वन ऑफ द डोर इज इतना, द विंडो इज ऑफ साइज 2 m × 1/5 m, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लूं, तो विंडो की साइज कितनी है मेरे पास 2 m × 1/5 m, डन। एंड द अदर 2 windows आर ऑफ साइज 1 m × 1/5 m, और 2 window का साइज कितना है 2 × 1 × 1.5 m। अब देखो क्वेश्चन कहां से निकलेगा, 2 door दिए हैं, द डायमेंशन ऑफ द डोर्स आर, मतलब 2 door हैं तो ये 2 की डायमेंशन है मेरे पास, ठीक है, तो इसको 2 times कर देते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, देखो जब भी वॉल्स की बात आए ना, मैं हमेशा बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया की, जब भी मैं वॉल्स की बात करता हूँ ना बेटा, मैं किसकी बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इनटू एच। बट एक बात आओ, जब विंडो है, विंडो पे तो पेंटिंग, उसने क्या बोला है, उसने वॉल्स की बात करी, पेंटिंग द वॉल्स, वॉल्स पे कैसे पेंटिंग करोगे, ना ही मेरे डोर्स पे पेंटिंग होगी ना ही मेरी वॉल्स पे पेंटिंग होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये निकाल लो, ट्वाइस ऑफ 10 + 7 × 5, तो ये कितना होगा 17 × 10, यानी कितना होगा 170 m में, ये मीटर स्क्वायर, तो ये मेरे पास टोटल एरिया हो गया चारों के चारों वॉल्स का, ठीक है। अगर मैं 2 doors की बात करूं कितना हो गया 6 m² हो गया इसका एरिया, ये कितना हो गया 1.5 × 2 कितना हुआ मेरे पास 3, ठीक है जी, ये कितना हो, ये भी 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 × 3 = 6, तो टोटल एरिया ऑफ वॉल्स थी विंडोज एंड आपका डोर कितना हो गया 12 cm का, तो इसमें से 12 माइनस कर दो कितना आ गया 158 m². अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भैया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट 3 square per m, इसको हटाएं जरा, तो भैया क्या बोल रहा है वो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, तो अगर एक के लिए 3 है तो 158 के लिए कितना होगा 158 × 3 कितना होगा 450 + 24 474, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है बहुत इजी तरीके से, डन स्टूडेंट्स प्लीज नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ नंबर 1 / 296 लीव्स रिमाइंडर 75 व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर विल बी, करिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए करिए जरा क्वेश्चन। चलिए नंबर वन डिवाइडेड बाय कितने से कर रहा है
296 leaves 75 as remainder. देखो इसका मतलब मेरे पास नंबर क्या होगा, 296 p टाइम्स गया प्लस 75, मतलब हो क्या रहा है ध्यान से देखो, वो कह रहा है मेरे पास कोई नंबर है भाई, उसको मैंने डिवाइड किया 296 से, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 296 लीव्स रिमाइंडर, इसका मतलब p टाइम्स गया तो ये कितना हो गया 296 p, और इनको जब मैं माइनस कर रहा हूं यानी नंबर माइनस 296 p तो मेरे पास कितना है 75, तो डेफिनेटली नंबर कितना होगा मेरे पास 296 p प्लस ऑफ 75, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो ये चीज समझो कि सबसे पहले नंबर बनाना है, मुझे कोई डेफिनेट नंबर नहीं चाहिए, मेरा उसमें भी काम चलेगा ठीक है। अब वो कह रहा है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37, देखो आप इस नंबर को यानी 296 p प्लस 75 को किससे डिवाइड कर दो भाई 37 से ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो पूरा पूरा कट रहा है 296 अपॉन 37 340 ठीक है, 74 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर ठीक है जी, क्या ही कट रहे द रिमाइंडर विल बी क्या 296 37 से कट रहे, कट के देखो जरा ध्यान से, चलिए तो किस पे जाएगा 8 टाइम चला जाएगा ये ठीक है जी, 370 में से कितना 74 माइनस करोगे इतना ही आएगा, और ये कितना बचा फिर 75 पे 37 दो 74 तो कितना बचा मेरे पास प्लस। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली आपकी डिमांड क्या कहती है कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नंबर निकालना है फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओ ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझ लो आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये है मेरा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पे, और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जी हाँ साइक्लिसिटी, इसके लिए आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं जरा निकालना क्या क्या, 4:1/198, 6:1, 2, 3, 4, 5 ये तो आसान है, 3:348/66 ठीक है जी, 24×11 और 1 तो ऐसे ही रहने दो वो तो एंड में जुट जाएगा ठीक है। देखो 4 का चमत्कार क्या कहता है, 4 का चमत्कार ये कहता है कि 4×1 4, 4×2 16, 4×3 64 और 4×4 कितना हुआ 256, इसका मतलब जब भी 4×पावर आपके पास ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, इवन होगी तो कितना आएगा 6, तो यहां पे क्या है और इवन है तो यहां से डेफिनेटली मेरे पास 6 आएगा, गॉट माय पॉइंट, अगर हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल क्लियर। अच्छा 6 की बात सुनो, 6×6=36216, तो 6 की बारी में कोई भी साइक्लिसिटी नहीं होती तो ये तो भाई 6 ही रहने वाला है ठीक है। अब 8 की बारी में देखो भाई, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी पावर को कर दो 4 से डिवाइड, तो 64 पे गया तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यानी यहां पे कितना आएगा 4 ठीक है जी। 4 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4 की अभी हमने देखे साइक्लिसिटी कितनी है 2 है, तो इवन है तो कितना आएगा भाई 4 आएगा, यानी 6×6=12, 4×16=20 और 1×21 यानी एंड में कितना बचा 1, तो यही मेरा क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बट आपको एक कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना था, दैट इज द पॉइंट, समझ आ गया बात, क्वेश्चन मुश्किल 1% भी नहीं था बट आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना था, समझ आई बात। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मेरा स्पीड टाइम है डिस्टेंस से रहेगा क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 15 मिनट्स इफ ही इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर ठीक है, ऑन एन एवरेज फाइंड द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 40 मिनट्स। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे पहले वी मस्ट नो द डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहां पे, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, देखो टाइम मेरे पास कितना है 50 मिनट यानी 50/60 घंटे,
ठीक है जी, और 48 मेरे पास क्लियर है, तो इसे करो जरा 6 8 48, 8 5 कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 40 किलोमीटर आ गया। अब वो क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच द स्पीड सॉरी फाइंड द स्पीड एट विच द ट्रेन वॉज रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 40 मिनट्स। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस है 40, स्पीड मुझे टाइम में नहीं, 40 बटे कितना हो गया 60, तो भाई काट दो बिकॉज मुझे मिनट को आवर्स में भी तो कन्वर्ट करना है, तो स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो भाई बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है मेरे पास। इन अ टू डिजिट नंबर, मतलब एक्स वाई कोई नंबर ले लो या ए बी नंबर ले लो, देखो दो नंबर की रिप्रेजेंटेशन पहले बता दूं एक्चुअली में होती है, इसको लिखूंगा 10 a+b। ठीक है, इफ इट इज नोन दैट इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाय 2, मतलब जो यूनिट डिजिट है मेरे पास वो दो ज्यादा मेरी 10th डिजिट से, एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ द इट्स डिजिट से इज इक्वल टू 144। देखो मुझे क्या दिया, सिंपल, यानी मेरे पास ए को अगर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो बी मेरे पास कितना है x+2, यूनिट डिजिट बी मेरा यहां पे यूनिट डिजिट है और ए मेरा क्या यहां पे 10th डिजिट, तो क्या मेरे पास यही आएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स। अब गिवन नंबर क्या, देखो मेरे पास क्या x 10x प्लस ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट यानी कितना x+x+2, वो कितना है 144 दिया है, बिल्कुल 144 दिया, तो ये कितना होगा देखो 11x+2 इंटू ऑफ 2x+2 इज इक्वल टू कितना 144, तो ये कितना होगा 11x+2। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूं कितना हो जाए x+1 इज इक्वल टू 144, तो ये कितना होगा मेरे पास 72। तो बेटा माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 11x² + 2x प्लस 11x+2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, (11x²) + (13x+2) - 72 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली कितना बना मेरे पास 11x² + 13x - 70 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसे मुझे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए जरा ये क्या है, 11x² 11 7 77 - 770, तो क्या 3522 बनेंगे, बिल्कुल। तो 11x² + 35x - 22x - 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा अगर यहां से मैं x कॉमन लूं तो कितना बचेगा मेरे पास 11x + 35 - 2 × 11x + 35 = 0। तो यहां से x मेरा कितना आ गया x - 2 = 0, तो x कितना आ गया x = 2। तो अगर 2 आ गया तो मेरे पास नंबर क्या होना भाई 2 और 4 यानी 24, तो 24 मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। डन, तो पूरे तरीके से सॉर्ट आउट करने के बाद 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो भाई, इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 504 मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एम, मतलब एम मेरे पास अभी मैक्सिमम मार्क्स है और एम में से मैंने कितने मार्क्स लिए 504। ये तो मैक्सिमम मार्क्स एम इज कन्वर्टेड इनटू 800, मतलब अब मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 800। ठीक है, और स्कोर कितना हो गया मेरे पास 384। डन, अब मुझे एम बताना है। देखो सिंपल सी बात, अगर एम जितना भी बढ़ाएगा परसेंटेज में दिस हैज टू बी सेम। डन, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा भाई 384 कितना परसेंट है किसका 800 का, पहले ये निकालो इनटू 100%, तो ये कितना हो 8 * 4 = 32 और 48% हो गया, 48% हो गया। इसका मतलब ये 504 भी क्या होगा 48, टोटल का 48% कितना होगा मेरे पास। बस ये एक बात थी जो आपको अच्छे से समझनी थी, और कुछ भी नहीं समझना था।
ठीक है, कि परसेंटेज में जो मेरे पास यहां पे मार्क्स दिए ना वही मार्क्स मेरे पास 504 की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है 504/84, ये कितना, सॉरी 48, तो ये कितना हो गया मेरे पास 10.5। ठीक है जी, 48 × 10 = 480, 480 में 24 जोड़ूंगा तो 504, 24 में तो 48 का आधा यानी 0.5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1050। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी सरल प्रश्न तो नहीं कहूंगा, बट हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन जरूर था ये। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर अ पिकनिक इज 16 ईयर्स, 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 15 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप ऑन द स्पॉट ड्यू टू विच देयर एवरेज बिकम्स 15.5 ईयर्स। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है बट इसको मैं एलिगेशन से सोच रहा हूँ करने की, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर पिकनिक इज, आप कैसे देखेंगे इस प्रश्न को, कैसे मतलब आप अपील करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई देखो क्या दिया। देयर एवरेज ग्रुप ऑफ, देखो एवरेज क्या होती है, आप क्या बोलोगे एवरेज इज पर पर्सन, मतलब जब इनका मैं एलिगेशन के साथ निकालूंगा तो वही मेरे पास यहाँ आंकड़ा होगा। वो क्या कह रहे हैं कि शुरू में किसी ग्रुप की कितनी ईयर थी 16 ईयर्स, 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 15 ज्वाइन द ग्रुप, इसका मतलब शुरू में 16 थी, अब कितनी होगी 15 ईयर्स, पहले कितनी 16 अब कितनी होगी 15 होगी। अगर 15 होगी इनके 15 के आने से क्या, और यहां पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 20% है जो आए हैं, 20% जिनकी एज 15 है, पहले मुझे नहीं पता पी थी, मैंने मान ली शुरू के जो पर्सन थे पी थे, जिनकी एज कितनी थी मेरे पास 16 ईयर। ठीक है, उसके 20 बंदे आए ना भी जिनकी एज कितनी थी 15, और अल्टीमेटली जो मेरी एवरेज होगी ना वो कितनी होगी बच्चों, ये बात समझो ध्यान से, 15.5 ईयर। ठीक है, अब ध्यान से तसल्ली से इस बात को सुनना, जब आप एलिगेशन लगाओगे ना, देखो होता क्या है एलिगेशन में, ये होता है कि जब आपके पास दो क्वांटिटी गिवन हो, तीसरी क्वांटिटी उनके बीच में इंटरनेट कहीं लाई करेगी, डन, तो भाई इसको माइनस करो कितना आएगा 15.5 - 15 बड़े में से छोटा, और यहां पे क्या होगा 16 - 15.5, तो ये कितना हो गया 0.5:0.5, यानी कितना 1:1। इसका मतलब ये किसका रेशो है, नंबर ऑफ पर्सन का, तो एक ही वैल्यू कितनी 20, कितने टाइम्स 20 टाइम्स, तो इसको भी 20 गुना करो कितना हो गया 20, ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। वैसे तो जब आपको दिखा ये 16 है 15 का, और 15.5 इनका जस्ट 20 का है, तो डेफिनेटली जितने पर्सन है उतने पर्सन वहां सवाल ही नहीं उठता फिर तो। ठीक है, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 25% प्रॉफिट। डेडिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832, इसका मतलब शुरू में मेरे पास एक सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट वाला है, यानी कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली मेरा यहां होगा, एक मेरे पास सेलिंग प्राइस है लॉस वाले हैं SP2। ठीक है, देखो SP1 कितना दिया मुझे 832, वो कह रहा है जब आप 832 से बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं मानता हूं भाई पी का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर द क्वेश्चन इज सेइंग इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448, यानी वही आर्टिकल अब आप कितने भी बेच रहे हो 448, और सेम भाई जितना प्रॉफिट हुआ था बच्चों उतना ही क्या हो गया आपको लॉस, यानी पी का प्रॉफिट तो पी का हो गया आपको लॉस। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां अगर मैं देखूं कितना हो गया मेरे पास 2p, वेरिएबल में 2p, कांस्टेंट में कितना, अगर मैं बात करूं ये p + p 2p, और ये कितना होगा 832 और जो 448, यानी 2p की वैल्यू कितनी होगी
384 पी की वैल्यू कितनी होगी 192, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे पास, ध्यान से देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपके पास 448 प्लस ऑफ 192 यानी कितना हो गया 640 रुपए, डन 640 हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर 640 हो गया तो अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 640 रुपए। वो क्या कह रहा है बेटा, 25% प्रॉफिट। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 यानी चार की चीज कितने में, पांच में चार की वैल्यू कितनी दी है 640, कितने गुना 160 गुना, इसको भी 160 गुना कर दो, कितना हो गया 800, यानी ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इज, चलो क्वेश्चन इज, इफ 4 टाइम्स कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स कैपिटल ऑफ बी एंड इज इक्वल टू 10 टाइम्स कैपिटल ऑफ सी, देन आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 1860 सी विल रिसीव। चलिए देखते हैं जरा, देखो क्या दिया, यानी 4 टाइम्स कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू 10 टाइम कैपिटल ऑफ सी, तो के ले लो इसको, तो 4a इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k बाय 4, 6b इज इक्वल टू k b इज इक्वल टू k बाय 6, and c इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k बाय 10। ठीक है जी, अब सिर्फ मुझे एबीसी का रेशो निकालना है, यानी के बाय 4 रेशो के बाय 6 रेशो के बाय 10। तो भाई एलसीएम ले लो 60, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 60 और ये कितना है 60, तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 6 और 15, यानी 15 रेशो 10 रेशो 6। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन में क्या दिया, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 1860, साफ साफ दिख रहे कितने गुना 6 गुना, यानी 31 गुना 6 कितना आएगा 6 कम 6 6 दिया 18, तो 170, तो कितने 60 गुना हो गए। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे भैया, किसके सी, तो सी कितना 6 यूनिट, 6 गुना 60 कितना होगा आपके पास 360, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, होपफुली ये चीजें आपको सारी समझ आ रही हैं जो अपनी डेप्थ में मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ट्राई करें इसको जरा प्लीज ट्राई। क्या दिया था, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 एंड 15 एंड 18, यानी 7 का वह छोटे से छोटा मल्टीपल जिसको जब मैं 4 6 9 15 18 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या दे, 4 लीव रिमाइंडर दे, तो आंसर है 74 94 184 और 364। बता देता हूं आपको कई बार क्या होता है, नन ऑफ दिस आ जाता है और वहां पे फिर मुझे नंबर देखना पड़ता है, नहीं होता ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे से। देखो सबसे पहली बात 6 9 15 18, भाई 6 क्या है, 3 रेस पावर 2 रेस टू पावर 1, 9 क्या है, 3 की पावर 2, 15 क्या है, 3 * 5, 18 क्या है, 3 तीन का स्केयर गुना 2। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लेना है इनका एलसीएम, मुझे क्या लेना है इनका एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे लूंगा मैं, देखो 2 2 की पावर 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है और 1 5, तो ये कितना होगा 2 गुना 9 गुना 5, तो क्या 90 हुआ, यस। तो इसका मतलब नंबर क्या होगा मेरे पास, नंबर की टाइप, वो नंबर नंबर टाइप टाइप क्या होगी मेरे पास 90k+4, ये मेरे पास टाइप होने वाली है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है, या k की वैल्यू पुट करने पे कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 से डेफिनेटली कटे। देखो k की वैल्यू 1 पुट करोगे कितना आएगा भाई, इक्वल 1 पुट करो 94, 94 तो 7 से करते हैं, उसने कहा भैया 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से कटना चाहिए, 2 पुट करो 184, 184 भी नहीं करता,
तीन पुट करो, 9 + 3 = 270, 276 क्या 274 कटता है मेरे हिसाब से, तो वो भी नहीं कटता क्योंकि 280 कटता है। जब आपने k को 4 पुट किया तो कितना आ गया, 92 4 + 4 यानी कितना आ गया, और इसको जरा आप 7 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 52 पे। तो डेफिनेटली मेरा नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 354 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आई बात। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, तो बहुत पीछे रह जाओगे उस भीड़ में, जिस भीड़ में बहुत सारे डेडिकेटेड बच्चे जो सिलेक्शन ले सकते थे वो गुम हो जाते। सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक अच्छी यानी अभी पीडिया की मॉक टेस्ट सीरीज को ना लेना, या वो पॉइंट्स पे काम ना करना जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। सेक्शनल टेस्ट जैसे होते हैं, जैसे आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस। अगर मैं ध्यान से बात करूं यूपीएससी ईपीएफओ 2023, ठीक है, अभी एग्जाम आपका ऑलमोस्ट ऑन द कॉर्नर है, व्हाई यू नीड यूपीएससी कॉम्बो टेस्ट सीरीज, क्यों आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज ही लेनी चाहिए। रीजन क्या है इसका, एओईओ एपीएफसी और करंट अफेयर के डेडिकेटेड बहुत बढ़िया वाले टेस्ट हैं आपके पास। इस चीज में क्या मतलब, 100+ टेस्ट है, यानी मिनिमम 100 से ज्यादा टेस्ट है आपके पास, नंबर ऑफ टेस्ट यू हैव, ठीक है। और आपके पास क्या मिल रहा है, 100% कैशबैक, इसकी भी बात करूंगा कैसे इसको अवेल करेंगे, यूज करेंगे आप। और सिर्फ कितने में स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए में, जिसमें वो पैसे आपको कैशबैक यानी वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट कवरेज, गेट सेक्शनल कंप्लीट एंड करंट अफेयर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बाद दूसरी बात क्या है, अब ये जो कैशबैक है 750 का, इसको आप कैसे यूज करोगे। अब दिमाग में तो एक घंटी बजती है, भैया 750 वापस मिलेंगे, नहीं। आपको होगा क्या, ये अभी पीडिया के वॉलेट पे पैसे आपको वापस मिलेंगे, यानी अभी पीडिया के जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे लॉग इन करोगे तो वहां पे आपको 750 रुपए देखेंगे। आप इससे कोई माइक्रो कोर्स खरीद सकते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई अदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो इस तरीके से उस 750 रुपए को आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो ऐसी ही वीडियोज आप आएंगी आपके पास लगातार हर टॉपिक की, ठीक है। सो प्लीज जुड़े रहिए, थैंक यू।